रोलिंग आवाज आ रही है, चेक कर लो ना पहले साउंड साउंड चेक कर लो, साउंड चेक कर लो। हेलो 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 हेलो, हां हां बराबर है। अरे मैं कौन बोल रहा हूं? ओके मैम, सो इट्स अ डे ऑफ 83 एंड यू आर हियर। कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? ओह आई एम वेरी एक्साइटेड, आई रियली लव रणवीर, आई रियली वांट टू वॉच द मूवी एंड या वी ऑल आर हियर, सो आई थिंक वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। ओके सो अपार्ट फ्रॉम रणवीर देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स इन दिस मूवी, सो आप किसके लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो? मैं सिर्फ सिर्फ रणवीर सिंह के लिए हूं यहां पे, बिकॉज़ आई रियली 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 लव हिम। ट्रेलर बहुत अच्छा था एंड वो हमेशा बहुत ही अच्छा काम करते हैं, नो मैटर व्हाट रोल ही इज प्लेइंग ही इज ऑलवेज डूइंग हिज बेस्ट। एंड बकफ्रंट की बात करो तो आपको ऑनगोइंग एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? सून है, बहुत कुछ है लाइन अप एंड आप सबको बहुत जल्द पता भी चल जाएगा, बट हाँ काम चल रहा है। थैंक यू। मैम यहाँ नहीं देखा, मैम यहाँ पर नहीं देखा, यहाँ भी नहीं देखा मैम, इधर इधर इधर, ये साइड बाइट बाइट बाइट। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी जैसी मूवी आएगी वैसे ही देखनी है एंड लकी टू बी हियर ऑन द डेट रिलीज, सो आई एम डैम एक्साइटेड क्योंकि रणवीर सिंह एग्जैक्टली लुक्स लाइक कपिल देव एंड आई हैव हर्ड लाइक अमेजिंग रिव्यूज, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी लाइक फिर सर हैज कास्टेड एंड आई हैव हर्ड इट्स अमेजिंग, सो आई एम रियली एक्साइटेड। Actually, I have a friend, Sahil Khattar, yeah, in the movie, so I'm actually very, very, very excited to see him. Thank you. Sir, you're right. Sir, 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 here. Sir, here. Sir, here. Sir, थोड़ा आगे आ जाइए ना। सर रुकिए, ये कैमरा भाई थोड़ा बात भाई इधर भाई यहाँ पर सेकेंड, आप तुलिका जी थोड़ा सा इधर आइए ना भाई, तुलिका जी थोड़ा सा इधर अंदर आइए ना। ओके जी सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, आई ऑलरेडी रेड सम ग्रेट रिव्यूज़ अबाउट द फिल्म एंड मेरे डैड बहुत बताते हैं 83 के मैच के बारे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो मैच नहीं देखा है, सो माई एक्साइटमेंट हैज़ ग्रोन इवन मोर बिकॉज नाउ आई विल बी सीइंग इट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट मैच, और कपिल सर एंड ऑल द एंसेंबल कास्ट जो इस फिल्म में है उनको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड स्पेशली रणवीर सिंह को बिकॉज जो ट्रेलर में देखा है ही इज एक्चुअली लुकिंग लाइक कपिल देव। यार मैं सबको देखना चाहता हूँ, आई मीन ऑल द कैरेक्टर्स जो भी उस मैच में थे उन सबकी क्या बैक स्टोरी थी, वो लोग रियल लाइफ में कैसे थे, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, सो आई एम एक्साइटेड फॉर हार्डी संधू, आई एम एक्साइटेड फॉर ऑल द अदर एक्टर्स हु आर प्लेइंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स इन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर सर विजुअल, सर विजुअल, अपनी फैमिली के साथ इतनी देखते हैं सर, विजुअल विजुअल सर, मुझे सच में पता नहीं था कि आप लोग भी मिलेंगे। सर 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 रुकिए ना, सर रुकिए ना, सर सर रुकिए ना, सर फोटो सर फोटो रखो सर, पर देखो सर, सर यहाँ देखिए, सर यहाँ पर सर, सर सर रखो सर, सर यहाँ किस कैमरा, थैंक यू बहुत बहुत, ऑल द बेस्ट।
बेस्ट फॉर 83 टीम के लिए और मेरी मैं बहुत इसे वेट कर रहा था, मुझे अभी देखने जाना है। थैंक यू, लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। ये बहुत क्लेवर है सर, ये उसके फोटो भाई दे सेकंड में ना भाई, ऑल ऑफ यू साथ में। हां हां, सेंटर सेंटर सर, लुक एट सेंटर, एज अ सेंटर ऑल ऑफ यू राइट भाई दे, ये वाला कैमरा मैंने पहले ही बोला था लोग आएंगे अपना काम। उधर है भाई, भाई यार मैं 2 साल से एक्साइटेड हूँ। वो तो मूवी थोड़ी 2 साल के बाद आ रही है, मैं 2 साल से अपना एक्साइटमेंट रोक के रखा है और आज आई थिंक फाइनली देखा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजेस दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, बेस्ट वे टू एंड द ईयर। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच शर्मीर एंड दीपिका बोथ टुगेदर। ओके सो रणवीर सिंह की मैं बात करूं तो काफी ज्यादा कमी इस साल के जैसा लग रहे हैं, तो आपको कैसा लगा ट्रेलर, क्या कहना चाहोगे ट्रेलर का? यार ये तो आई मीन इसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, रणवीर सिंह है ऑब्वियसली ही वर्क्स really hard for his characters and Kabir Khan has always done like good performing every time he made a film and casting itni amazing rahi hai, so I'm just too excited, matlab unke bare mein hum comment nahi kar sakte because bahut mehnat ki, bahut hi zyada they worked on the cast, like I think Hardy is also part of the film, they've taken a lot of good cast and yeah. So I think they've made a very solid you know power patch for a film. Okay, so apart from Ranveer there are two characters in this movie, so are you looking forward to any? I'm really looking forward to I mean Sahil Khattar's character, he's playing Sayed Kirmani. Sayed Kirmani while growing up was always my favorite wicket keeper and unke baad then Mongia the and my best friend, and Sahil is a very good friend and he's playing that character, so ab jab maine pehli baar suna tha tab se I was like really excited to see him on screen playing Sayed Kirmani, so yeah. So I'm not very well versed with cricket, but obviously I'm very excited to watch all the people that are performing, especially Hardy, Peter and Veer, obviously Deepika. Thank you so much sir. प्रथम सर यहाँ देखिए राइट में बट सेंटर सेंटर थोड़ा सा राइट में नाउ माय हेयर इज गुड डन डन भाई excited. I think I don't know whether I should say this, I've just shot a film with him and I was constantly talking about Gully Boy, so main hamesha Gully Boy ki baat kar raha tha, but jo iske reviews aaye hain I think it looks phenomenal, trailer ne hi dhamal kar diya, so I'm really very excited and just really really hoping that it beats the expectation, because expectations itni badh gayi hain, so I'm just hoping ki matlab अभी इतनी देर के बाद थिएटर में आ रहा हूँ फिल्म देखने, आई जस्ट होप आई रियली रियली एंजॉय इट एंड आई नो आई एम गोना एंजॉय वेरी एक्साइटेड। मैंने इनफैक्ट रणवीर जी पोस्ट किया था कि बाबा 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 किल्ड इट, आई थिंक ही इज जस्ट किल्ड इट, आपको वो कुछ सीन्स में ही पता चल जाता है जब एक एक्टर ने किरदार को इतने गहराई से पकड़ा है, you feel that the actor has done justice. Now let's see how the film has turned out, and Kabir Khan is a brilliant documentary filmmaker, of course he's a filmmaker of Bollywood, but I think wo ek documentary edge is very important because it could become a Bollywood type, but because he's a documentary filmmaker he has that sense as a filmmaker, it should turn out better. I think this is Ranveer, Deepika, then I think about the remaining cast, I know there is Taheer Raj Vaseem. Yeah. Then there is the guy who was in Sacred Games, whose name I've forgotten, I'm sorry. Or kuch aur hai. And I think, Yashpal, whatever it is, this is a film, and knowing Ranveer as a lead actor, all the actors will get a balance too, and it's of course such an important historic win. So I'm looking forward to it all. Aur hum logon ne ye, I think kisne bada achha social media pe kaha tha ki, bahut logon ko iske baare mein awareness.
लेकिन जो हिस्ट्री है क्या क्या हुआ वो इस फिल्म के द्वारा हम सबको पता चलेगा. एंड आई थिंक दे डिपिक्टेड सो इट्स अ मोमेंट कि 80s में क्या वो मोमेंट था, इंडिया हैड नो चांस, और कैसे कपिल देव और उनकी टीम ने इंडिया के लिए पहली हिस्टोरिक विन की थी. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सारी ऑडियंसिस के लिए, स्पेशली इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, टू नो अबाउट व्हाट इंडिया डिड एट दैट टाइम. थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव. सर 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 यहाँ देखिए थोड़ा राइट है, अब ये लुक दिए कैमरे में सर, यहाँ नहीं देखा सर. सेंटर थैंक यू थैंक यू सर. बाय. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ रणवीर सिंह, हिज परफॉर्मेंसेस. सो इस मूवी में उन्होंने बहुत ही अलग परफॉर्मेंस की है, एंड किरदार को निभाना जब होता है अ बायोपिक ऑन कपिल देव, आई एम श्योर ही इज गोना किल इट. एंड ऑलरेडी इतने रिव्यूज अमेजिंग सुनाई दे रहे इसके बारे में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. There are so many important characters. I think I'm looking for my friend Saqib's character. I think his character is very interesting. Or to be very honest, I'm going to keep it very candid or surprising. Taki aur maza aaye, to I'm not having expectations. Jaisa chalta hai, dekhte ki kitne surprises aate hai movie mein. Okay, so talking about the last song with Jyoti ma'am. Yeah. It is rocking right now. Also, it is rocking. थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड. बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए क्योंकि पहले मैं एक्टिंग से रिलेटेड मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ द बिगिनिंग. एंड उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस हुई है, काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस, काफ़ी सारे इमोशंस को इमोट करने का मौका मिला है, और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से. एंड थैंक्स टू दैट आई एम डूइंग अनदर म्यूजिक वीडियो. आई कॉन्ट लेट यू नो कि किसके साथ कर रहा हूँ, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग म्यूजिक वीडियो है, एंड यू गेट टू सी दैट सून. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू. हाँ इधर ही हूँ. हाँ यहाँ देखिए मैम. मैम सेंटर. अशी अशी थोड़ा राइट आ जाओ ना, और लुक थोड़ा इधर. मैम इधर सेंटर. मैम यहाँ पे देखिए. अच्छा ये वाला कैमरा, अभी उसके बाजू वाला, बस का डाला. अब उसके राइट साइड वाला मैम, ये वाला. अरे ये चलो थैंक यू भाई. थैंक यू. टॉयलेट चला रहा क्या? बाइट 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 है मुझे अंदर चला रहा है. हां ये आ जा जल्दी. अरे ये लाइक नहीं नहीं एक्साइटेड आई एम. एक्चुअली वेरी एक्साइटेड. इनफैक्ट मुझे बहुत दिनों के बाद आज टाइम मिला था, मतलब छुट्टी मिली थी. आई वॉन्टेड टू रेस्ट, बट इस फिल्म के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी जब से ट्रेलर देखा था, जब से पता था फिल्म आने वाली है. सो आई गॉट अ चांस आई जस्ट गेट. अमेजिंग. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे बोलने से ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा, बट वॉज अमेजिंग. वो लगे ही नहीं पहले फर्स्ट लुक में कि रणवीर सिंह इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर. ही इज अमेजिंग. जब ये हुआ था, जब हम जीते थे, मुझे उस टाइम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. तो मैं मदर सर की, उन्हें पता है, शी हैज सीन एवरीथिंग इन न्यूज़ एंड, बट मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैंने बस सुना है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म एंड नो एवरीथिंग. I'm already working on one show right now. उसके सिवा एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है. And that's it. Thank you. Thank you. Thanks a lot. सर यहाँ देखिए. थोड़ा राइट मार दीजिए, थोड़ा राइट मार. सही यहाँ. सर सेंटर. सही और राइट. भूषण डरा रहा है थोड़ा. ये कैमरा अभी बाजू वाले में. अभी राइट वाले में. थैंक यू. बाय. चलिए बाय. इसको काटो.
ओके सर, सो आई गेस यू आर ऑलरेडी इन अ मूड, रेट्रो जर्सी पहनी आपने, सो कितने साल से नहीं, तो इंडियन जर्सी का या इसे इंडियन रेट्रो जर्सी यही चलेगा, ओ 007 यही चलेगा, सिर्फ इंडियन रेट्रो जर्सी बोलो। ओके सो कितने ज़्यादा एक्साइटेड आज की मूवी? हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट फैनेटिक हूँ और क्रिकेट के बारे में आप मुझे कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा आपको, अभी के बारे में नहीं। मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो वो मेमोरीज को फिर से जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एक मैच जो इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे का था, जिसमें कपिल सर ने 175 नॉट आउट बनाया था, उस वक्त BBC इस मैच को कवर नहीं कर रहा था, BBC वाज़ ऑन स्ट्राइक। बहुत लोगों का कहना है कि मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में कि BBC कवर नहीं कर रहा था क्योंकि उनको लगा इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे साला कौन देखने वाला है, इसको कवर मत करो, लेकिन अपने कपिल पाजी ने मचा डाला और उस मैच में ही स्कोर 175 नॉट आउट, विच एट दैट टाइम वॉज दी हाइस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ वन डे मैच, तो मचा डाला अपन ने BBC का। उस वक्त ना जहाँ तक मैंने पढ़ा ना, देर वॉज अ राइवलरी बिटवीन गावस्कर एंड कपिल देव, आई डोंट नो हु इज प्लेइंग गावस्कर इन दिस फिल्म, बट उस वक्त कैप्टनसी की राइवलरी होती थी कपिल पाजी और गावस्कर के बीच में। जैसे ही 1983 का वर्ल्ड कप जीता उसके बाद, बहुत ही शॉकिंग बात है, लेकिन उसके बाद कैप्टनसी चेंज एंड सुनील गावस्कर बिकेम द कैप्टन, जो यूजुअली होता नहीं है। आई मीन लाइक महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता 2011 में, उसके बाद अगर महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टनसी से निकाल दिया होता तो बड़ा अजीब लगता, हम सब रिवोल्ट कर जाते, लेकिन उन दिनों में कपिल पाजी के जगह पर सुनील गावस्कर को कैप्टन बनाया गया और फिर सुनील गावस्कर ने भी ऑस्ट्रेलिया में बेंसन एंड हेजेस चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। मुझसे अगर आप बात करोगे मैं क्रिकेट के बारे में कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दूंगा, तो आप पूछिए। ओके सो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है बॉस के घर पे, और सविता शेट्टी काफ़ी अच्छा खेल रही है, आपकी फेवरेट रह चुकी है, तो क्या कहना चाहते हो, घर को कितना ज़्यादा मिस कर रहा है? हाँ मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ घर को, पर एक बात अच्छी है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जितना मैं घर को मिस कर रहा हूँ उतना ही घर भी मुझे मिस कर रहा है। अच्छा लगता है जब मेरे घर के निकलने के बाद भी 2 हफ्तों तक सिर्फ मेरी बात होती है और सलमान सर कहते हैं कि विशाल कोटन तो इस सीज़न में अमर हो गए, तो बहुत मिस कर रहा हूँ घर को, बहुत मज़ा आया खेल के। अगर घर में होता तो शमित अक्का के साथ भी खड़ा रहता, अपनी दोस्त तेजस्वी के साथ भी खड़ा रहता, दोनों को मेरी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। जब भी मैं देखता हूँ ये सीज़न, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को अपसेट सा फील करता हूँ कि यार काश इस वक्त मैं घर में होता, पर जब तक था बहुत मचा आया, इतना सारा प्यार मिल रहा है तो बोल पाऊँ। मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया, मेरे टॉप टू है शमिता और तेजस्वी, एक तरफ बहन है एक तरफ दोस्त, इसलिए टॉप टू ये दोनों, लेकिन गेम जीतते हुए मैं तेजस्वी को देखना चाहता हूँ क्योंकि शमिता अक्का फिर भी OTT से आए हैं, उनका एक एक्सपीरियंस रहा है। तेजस्वी ने इस सीज़न में खेला है और हमारे साथ वो एंटर हुई थी और जंगल से घर गई, इसलिए तेजस्वी प्रकाश। ओके सो आपकी स्टाइल में 83 के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अब उनके बारे में 83 के बारे में पूछेगा तो 83 इज़ अ लैंडमार्क, साला 83 अगर नहीं होता और वर्ल्ड कप 83 नहीं होता तो इंडिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं होता, IPL शायद हमारे देश में आता ही नहीं, तो 83 के वजह से ही क्रिकेट की शुरुआत हुई है इस देश में। 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, वेस्ट इंडीज़ जो एक कोशिश कर रहे थे हैट्रिक के लिए, 75-79 में वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप जीता, 83 में इंडिया ने वो हैट्रिक करने उन्हें नहीं दिया और उसके बाद एक अंडरडॉग टीम पॉपुलर हुई, वैसे ही जैसे मैं अंडरडॉग रहते हुए बिग बॉस के घर में पॉपुलर हुआ। सो बोल बम टू कपिल पाजी एंड दिस टीम एंड बोल बम टू ऑल ऑफ भाई। ये पूछ रहा नो बोल किसे का प्लेजर मीटिंग जस्ट ओके आइए ऐसा ओके सर, सो यू हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस 83 स्क्रीनिंग, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? कोलैबोरेशन विद 83 इज बेसिकली कोलैबोरेशन विद इंडिया, लाइक व्हाट हिज जर्सी सेज बेसिकली इंडिया, क्रिकेट एंटरटेनमेंट, रणवीर सिंह, कपिल देव, कबीर खान, अ ब्लॉकबस्टर, एंड दैट इज वेयर इवन आर ब्रांड स्टैंड्स एट, इट्स अ ब्लॉकबस्टर। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर, सो एक मेरे स्टाइल में एक बार बोल बम बोल बम बम। थैंक यू सर, थैंक यू।